एंड हैप्पी संडे। अभी हम जा रहे हैं वर्कआउट के लिए, तो नींद अभी पूरी तरह से गया नहीं क्योंकि कल 3 बजे नहीं, आज सुबह 3 o'clock मैं सोने गई। मेरे यहाँ पे एक फ्रेंड है जिसका हस्बैंड अभी US में है, तो वहाँ उसके घर में लेट नाइट तक हॉरर मूवी देखे। हॉरर मूवी मैं कभी नहीं, ये लेडीज पार्टी आउट था, बोल दो नहीं तो लोग क्यों, लोग क्या बोलेंगे तुम्हें? नहीं तुम बोल रहे हो हम गए थे, हम कहाँ गए थे? हम मुझे मतलब हम लेडीज, मतलब हम चार ही थे बस। अब यार तो रोज जब मैं ताकत ही पड़ी ना, तो हॉरर मूवी मैं 11 साल बाद शायद देखा। शादी के बाद मैं कभी हॉरर मूवी देख नहीं पाई क्योंकि मिथुन को, मतलब मिथुन का खून खोल जाता है हॉरर मूवी देखने के बाद कि ये कोई देखने जैसी चीज है। हाँ पूरा दिमाग खराब कर देते है। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को हंसी आता है, मैं आपको बहुत बार बोला हूँ, बोले कि मतलब टाइम पास है। तो जब मिथुन नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखती। पर कल का जो मूवी था उसका नाम था लाइट्स आउट। एटलीस्ट घोल वाला मूवी से तो अच्छा ही था, घोल मूवी पूरा बेकार है उससे अच्छा था। और डर वाली कोई चीज है तो था नहीं, बहुत ही मतलब बहुत ही बेसिक कुछ चीजें थे, पर अच्छा लगा। सब जब एक साथ मिलकर देखते हैं तो वही अच्छा लगता है। और 3 बजे मैं घर लौटी और उसके बाद हम सोए। पर मिथुन का कहना है कि 3 बजे तक पता है मैं किस तरह से, मेरा पूरा नींद आ रहे, मतलब आंखें टूट रहा है नींद से, फिर भी मैं ऐसे 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 आंखें खोल कर बैठा हूँ। तो क्या हुआ, मैं तो यहाँ पे सोसाइटी में ही हूँ, पास वाले ब्लॉक में ही हूँ, नहीं अभी नींद आता है क्या? सारे लेडीज मिलके जब एक साथ तुम लोग जाते हो इतना लेट नाइट तक कहीं पे हो तो क्या देख रहे हो क्या पता। तो मिथुन को नींद नहीं आया था, अभी मेरी आंखों से नींद नहीं जा रहे। मेरा क्या, मेरा मिथुन दोनों का ही आज ये बहुत खराब है। और मेरे को ऑफिस जाना है आपको का, हाँ आज संडे है, आज भी मिथुन का आज 1:30 बजे, हाँ 1:30 बजे आज मिथुन का ऑफिस है, 10 बजे आएगा। तो हो गया हमारे एक्सरसाइज के बाद मुझे लग रहा है कि मैं घर जाऊँ और ऐसे ही सो जाऊँ। एवरी डे जाने के बाद और मन नहीं करता कि वो काम करने का, कुछ भी मन नहीं करता, पर ऐसे भी तो नहीं चलेगा। हाथ पैर जैसे अभी भी टूटने लगा है, मतलब अभी इतने दिन हो गए अभी भी मतलब कम्प्लीटली यूज टू नहीं हुई हूँ। मिथुन तो और भी नहीं, मैं फिर भी थोड़ा बहुत, पर मिथुन का हालत और भी खराब है। चाबी हमारे कैसे भूले गए, गला बहुत सूखा है एक्चुअली। मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ जुकीनी और उसके साथ थोड़ा सा कॉलीफ्लावर, थोड़ा सा, और एक के साथ एक भुर्जी बनाऊंगी, वही होगा आज का हमारा ब्रेकफास्ट। और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हर्ब, जैसे कि ड्राई हर्ब्स होते हैं ना कि रोजमेरी या तो मिक्स हर्ब या तो ऑरेगानो, ऐसे बहुत सारे जो मिलते हैं।
मिथुन का आज ऑफिस था पर आज मिथुन घर से लॉगिंग करे, तो अभी हम पियेंगे एक गर्मा गर्म चाय, एक कप, दो कप रादर, दो कप गर्मा गर्म चाय, क्योंकि इस टाइम में मैं नॉर्मली चाय नहीं पीती, पर अभी जब कोई चाय पीने के लिए हो तो एक साथ चाय पीना अच्छा लगता है। पर कौन सा चाय पिए, मिठुन दुच्चा ना कि ये ब्लैक? শোনো না, অত ডিসিশন নিতে তোমার একটু গন্ডগোল হয়ে যায়, আর মিথুনকে ডিসিশন লেনে মে বহুত মুশকিল হয়ে যাতে জব ভি মে পুছতি হু কি মিল্ক টি ইয়া তো ব্ল্যাক টি, কিউকি মিথুনকো হমেশা চায় কে সাথ মতলব ডিনার কে বাদ ভি আগর চায় পুছা যায় ইয়া লাঞ্চ কে বাদ ভি আগর চায় পুছা যায় না তো চায় কে সাথ বিস্কিট মিথুন কে লিয়ে বহুত জরুরি হে, তো ব্ল্যাক টি মে আচ্ছা নি লাগতা বিস্কিট, তো ইসলিয়ে মিল্ক টি, কিন্তু আমি ব্ল্যাক টি নেব। ওকে, তো এক কাপ চায় হয়ে যায়। আর कल है मंडे, मंडे तो कल तो जैसा होगा होगा, वीकेंड फिर से शुरू, आर्यन का और दो एग्जाम्स बाकी है, मंडे है एसएसटी एंड ट्यूसडे है मैथ, बस उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स, रिलैक्स तो कुछ नहीं है क्योंकि मार्च में फिर से एनुअल एग्जाम स्टार्ट। जब मैंने मुझे लगा कि इससे मुझे अभी थोड़ा सा दूर रहना ज़रूरी है या ऐसा कुछ, तो मैं इंस्टेंटली मैंने मिल्क टी पीना छोड़ दिया है, कंप्लीट नहीं छोड़ा, ठीक है फिर कभी मैं पीऊँगी, उसके बाद आप कमेंट करोगे कि आपने तो छोड़ दिया है फिर आप पी रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। एक छोड़ दिया है मतलब बहुत ही कम पी रही हूँ, दो तीन दिन में शायद एक बार पी रही हूँ ऐसा, ठीक है। अच्छा तुम्हें की बिस्किट ने बोलो, छोटा बिस्कुट नहीं आज पे किंतु पूरा डब्बा शुद्ध आन होना दाई, तो डब्बा बिस्किट के डब्बा नहीं लेना, क्योंकि बिस्किट का डब्बा अगर मिथुन के पास दिया जाए ना तो दो मिनट में वो खत्म हो जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंस है मिथुन का अपने आप पे। তাহলে একটা প্লেটে নিয়ে নেই বিস্কুটগুলো, ছটা বিস্কিটস, তুমি কি এখানে বসবে নাকি একটু সরে এলে পরে আমি তাহলে সোফায় বসে তাহলে এক জায়গায় বসে চা খাওয়া যাবে। मेरा हेयर कट थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है पता है, आज जाने वाली थी पर आज मतलब पैर में इतना दर्द हो रहा है ना, आज कुछ और टाइप के हमारा वर्कआउट हुआ है तो यहाँ से कमर से लेके पूरे घुटने तक बहुत ज्यादा, मेरा मिथुन दोनों का ही बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मुझे मतलब अभी ड्राइव करना करके जाना वहां पे इतना भी मतलब नहीं लगा कि अपने आप पे मतलब भरोसा नहीं हुआ, अगर टाइम टू टाइम अगर ब्रेक प्रेस नहीं कर पाई तो बस हो चुका मेरा, तो पीछे से थोड़ा ऐसा स्लैंटिंग हो गया थोड़ा सा। अभी मुझे स्कूटी सीखना है क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है, अगर तुम मतलब ऑफिस लेके चले जाओ तो कार तो बहुत कितने दिन से बोल रहा हूँ मैं आपको सीखने के लिए। अरे उस दिन पैर में जो चोट लगा था उसके बाद से मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ, इतना सिंह ये कहकर गया जो डर गया बहुत हो गया ना, कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। अभी अभी तीन दिन तक मैं वर्कआउट पे नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मिथुन जाएंगे, ऑफिस का ट्रेनिंग है मिथुन का बैक टू बैक तीन दिन, सुबह 9 बजे से ना, तो मिथुन तो 8:30 बजे निकल जाने वाले हैं, तो उसके बाद मैं कैसे जाऊंगी, स्कूटी स्कूटी बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा, पता तो नहीं वो डर मुझसे नहीं जा रहे। मैं जब कार जब ड्राइविंग सीखा था ना तो उसके बाद एक दिन भी मतलब ड्राइविंग सीखने के बाद बहुत ज्यादा कार में स्क्रैच लग जाता है, कभी कभार छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, पर टच वुड मैं अभी तक मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं अपने कार को कभी एक स्क्रैच भी नहीं लगाए, मतलब 5 साल हो गए, मैं 6 साल हो गए कि मैंने ड्राइविंग मैं कार ड्राइव करी हूँ, अभी तक मैंने अपने कार को एक स्क्रैच तक नहीं लगाए, तो इसलिए क्या है ना कि कॉन्फिडेंस एकदम मतलब बराबर है,
पर स्कूटी जिस दिन मैंने फर्स्ट लिया था उस दिन, सेकंड डे जब मैंने चलाना चलाना सीख रही थी उस दिन, वो पूरा स्कूटी मेरे पैर पे गिर गया था। तब ये ब्लॉग चैनल मैंने स्टार्ट किया, हाँ ब्लॉग चैनल स्टार्ट तो किया ही था, स्कूटी जिस दिन लिया था उसका भी ब्लॉग था। उसके बाद से मैं स्कूटी नहीं लेती, मतलब उसे टच भी नहीं करती मैं। शुगरलेस चाय पीता हूँ, शुगर वाली बिस्कुट खिलाता है। शुगर वाली बिस्कुट क्या? ए, अच्छा अभी देख लाम ये रोचे क्रीम के कर, तुम ही है ना छोटा क्रीम के कर? सब कुछ रिपोर्ट ठीक ठाक आया है। डायबिटीज डाउट किया था डॉक्टर ने, इसलिए क्या करवाए, पर ठीक ठाक है। पर पर जिनको कोलेस्ट्रॉल है मुझे नहीं लगता उनको और कोई बीमारी होने की जरूरत भी है। मिथुन को कोलेस्ट्रॉल ने पकड़ लिया और मुझे थायराइड ने। अब चलो जिंदगी भर मेडिसिन खाते चलो, खाते या पीते, मेडिसिन क्या, मेडिसिन को तो इसके साथ लेना पड़ता है पानी के साथ, तो मेडिसिन क्या पीते हैं या खाते हैं? खाते मेडिसिन खाते मेडिसिन। सबसे अच्छी वर्ड ये है कि मेडिसिन लेना पड़ेगा जिंदगी भर, राइट? ये सबसे ठीक है, जिंदगी भर मेडिसिन लेना पड़ेगा, जिंदगी भर मेडिसिन खाना पड़ेगा। अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, पीना पड़ेगा, वो सिरप तो है नहीं, तो जिंदगी भर मेडिसिन लेना पड़ेगा, यही सबसे करेक्ट वर्ड है। कोडा ब्रांड के बारे में पता है आपको? कोडा का मतलब कंप्लीट स्किन केयर का जो प्रोडक्ट्स है वो आया है अभी purple.com पे, जिसके ऊपर 10% ऑफ चल रहा है। तो ये सारे चीजें अभी तो मैं आपको यूज करके नहीं बता सकती क्योंकि ये सब फेशियल किट है, तो अभी तो मैं फेशियल करने नहीं बैठूंगी, पर ये इसका जो सेट आया है ना वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी जरूर। इतने अच्छे से ये सेट करके दिया है ना, यहाँ पे लिखा भी है कि नंबर वन, स्टेप नंबर वन, नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फाइव। अच्छा पर्ल क्लींजर मुझे यूज करने से भी अच्छा लगता है, पहले से देख लूँ मतलब हर टाइम, आह कितना अच्छा खुशबू है इसका। हर टाइम हर चीज यूज करना तो पॉसिबल नहीं होता। नंबर टू है पर्ल स्क्रब, पर्ल मसाज क्रीम है ये, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि मसाज करने के लिए थोड़ा ज्यादा क्रीम की जरूरत पड़ती है। नंबर थ्री और ये नंबर फोर है पर्ल पैक, इस पैक है ये, ओके ये इसमें शायद मुल्तानी मिट्टी और क्यूकुम्बर है। ये जैसे कि बहुत अच्छा है, इससे फ्रेगनेंस आ रहा था पर इसका फ्रेगनेंस नेचुरल कुछ ज्यादा ही नेचुरल है, तो ज्यादा नेचुरल जो है तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। स्टेप फाइव, वाइट कंप्लीट फेशियल किट, स्किन पर्ल व्हाइटनिंग, स्किन व्हाइटनिंग, दिस इज फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। तो किसी भी, चाहे आपका स्किन जो भी हो आप इसे यूज कर सकते हो, ये लोग कंफर्म कर रहे हैं। और फाइव किट है इसमें, कोडा फेस क्लींजर विथ कश्मीरी सैफ्रॉन एंड नीम, ये तो मैं यूज कर चुकी हूँ और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं फेस को डीप क्लीन करने के लिए यूज कर रही हूँ ओडा फेस वॉश। तो इससे पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा पानी से गीला कर लेती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा फेस वॉश अपने हाथ में लेके पूरे फेस को आराम से मसाज करना है। मेकअप रिमूव करने के बाद भी हो सकता है कि मेकअप हमारे पोर्स के अंदर रह जाए, तो इंस्टेंट अगर मेकअप रिमूव करने के बाद ही अगर हम फेस वॉश कर लेते, अच्छे से फेस वॉश कर लेते, तो स्किन हाइड्रेट भी रहता है और स्किन के पोर्स के अंदर से मेकअप है वो भी निकल आते हैं। और ये स्किन को लाइटन करने में भी हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें है सैफ्रॉन,
और सैफ्रॉन स्किन लाइटनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। स्किन से एक्ने, फिर एक्ने स्कार जो भी है उसे भी बहुत अच्छे से रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये आप पूरे साल, नॉट ओनली समर या मानसून के सीजन या तो विंटर सीजन में, ये आप पूरे साल यूज कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोराकाई बहुत ही यूजफुल चीज, लेडी हाइजीन वॉश। और ये तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ क्योंकि रेगुलर के ये है कोरा का मेकअप रिमूवर, जो कि बहुत ही माइल्ड है, माइल्ड एकदम माइल्ड मेकअप रिमूवर। वो मैं आज भी यूज शायद करने वाली हूँ क्योंकि लिपस्टिक वगैरह है, तो ये जो है ये बिल्कुल क्रीम की तरह है, ये बहुत ही माइल्ड है। तो ऐसे वाइट ये में आते है, तो ये बहुत ही माइल्ड है एंड बहुत अच्छे से मेकअप रिमूव हो जाते। पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लॉन्ग लास्टिंग मेकअप इससे नहीं जाता इतनी भी अच्छी तरह से। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सोप फ्री है, अल्कोहल फ्री, फिर कलरेंट फ्री एंड पैराबेन फ्री एंड सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, तो इसलिए इसे आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। कोड़ा का जो सबसे बढ़िया लगा वो है डिटेन स्क्रब फॉर बॉडी, बॉडी डिटेन स्क्रब। ये बहुत बड़ा है, मतलब 750 रुपीज़ इसका सिर्फ दाम है, इसका प्राइस ही है 750 रुपीज़। और इसमें कितना 400 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट है। इन पे जो सन टैन आ जाते हैं, सन डैमेज की वजह से स्किन, आपके फेस की स्किन और हाथ का स्किन कई बार देखा जाता है कि अलग होता है, क्योंकि फेस का हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हाथ का इतना नहीं करते। मैंने दोनों हाथों के लिए थोड़ा सा यूज़ किया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आज रात डिनर में बनेगा मशरूम कड़ी, वो भी बहुत ही ड्राई वाला, और उसके साथ पालक दाल एंड रोटी। तो ये है हमारा आज का डिनर, दो रोटी, मैं और मिथुन। अब दो रोटी, वैसे पहले भी मैं दो रोटी खाती थी और मिथुन तीन लेते थे, तो मिथुन का भी दो हो चुका है और दो, मतलब तीन दो हो चुका है और मेरा दो दो ही है। और ये थोड़ा सा मशरूम करी, ये पालक दाल और दो चार अनियन के पीसेस। पर रोटी भी कम खाना अच्छा है, मतलब एक रोटी के बदले में अगर ज्यादा से ज्यादा सैलड या तो ऐसे सब्जियां खाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है शायद।